I'm Dr. Zahid Ahmad Consultant Nephrologist, Hospital, Islamabad. Ramadan mein hamare gurde ke patient hote hain. Obviously, usme ek to wo patient hain jinko sugar hai, blood pressure hai, aur uski wajah se gurde ke masail hain. Ab sugar ke patient mein aksar jo hamare paas patient aate hain, wo poochte hain kya main roza rakh sakta hu ya rakh sakti hu. To uske hawale se ye hai ki wo patient jinko sugar hai. डिपेंड ये करता है कि उनकी शुगर कौन सी है, वो कौन सी मेडिकेशंस पे हैं, इंसुलिन पे हैं या गोलियों पे हैं, और उसके साथ उनके गुर्दे के मसाइल किस नौयत के हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट इंसुलिन पे है और उसकी शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है, कभी शुगर बहुत बढ़ जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट में हम यूजली रिकमेंड नहीं करते कि वो रोज़ा रखें. बहरहाल, फिर भी हर पेशेंट की सिचुएशन मुख्तलिफ है. उनको चाहिए पहले अपने मॉलेज से मिलें और अपनी मेडिकेशंस को अपने टाइमिंग के लिहाज से एडजस्ट करा लें और फिर इस चीज़ पे काम करें. उसके अलावा वो पेशेंट हैं जो क्रोनिक किडनी डिजीज के हैं, सीकेडी के. उनमें यह है कि सीकेडी की मुख्तलिफ स्टेजेस हैं. आमतौर पर जो सीकेडी 4, 5 और हीमोडायलिसिस के पेशेंट हैं, उनमें रोज़ा रखना रिकमेंड नहीं किया जाता. इसके अलावा वो पेशेंट हैं जिनमें जो स्टोन फॉर्मर हैं, एक तो वो पेशेंट हैं जिनमें कभी कभार गुर्दे में पथरी बन गई, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन एक वो पेशेंट होते हैं जिनमें बार बार गुर्दे में पथरी बनती है, तो उनके लिए रिकमेंड नहीं है कि वो रोज़ा रखें, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिनमें स्टोन बनते हैं उन्हें पानी की खास मकदार पीनी पड़ती है, तो रमज़ान में वो ऐसा नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए भी रिकमेंडेड नहीं है कि वो रोज़ा रखें. बहरहाल, जो भी पेशेंट चाहे वो शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, गुर्दे के हैं, उनको चाहिए कि अपने मॉलेज से मिलें और अपना एक ट्रीटमेंट प्लान उसके मुताबिक मॉडिफाई करें. बहुत शुक्रिया.